लगभग मेवाड़ का और वोराट की ये राजधानी रिछेड़ जो बहुतया ही मुंबई में प्रवासित है और मुंबई में प्रवासित होने के साथ में भी रिछेड़ के प्रति उतना ही लगाव उतनी ही लगनशीलता कार्यशीलता है कि लगभग चातुर्मास का निवेदन भी हम रिछेड़ में प्रायः करते हैं और आप श्री हमें चातुर्मास भी इस रिछेड़ में भरमाते हैं और यहाँ से सब श्रावक श्राविकाएं वहां पर उपस्थित होकर अपने घरों को खोलकर उस चातुर्मास को बहुत ही सफल रूप से उसको संपन्न भी करवाते हैं। तो ये रिछेड़ की एक कर्मशीलता है कि जो मुंबई में रहते हुए भी निरंतर वहां पर हर कार्य के लिए गतिशील है, आज एक ससंघ के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव, मैं निवेदन करूंगा हमारे थेरापंत सभा के अध्यक्ष श्रीमान मदन जी कोठारी से कि वे अपनी बात को रखें। मदन जी कोठारी। वंदे भगवान चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन एवं सभी रिछेड़ वासियों का सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, हम सौभाग्यशाली है कि आज से 12 वर्ष पूर्व आपका रिछेड़ में हमने स्वागत किया जन्मभूमि में तुलसी विहार में, आज पुनः हमारी कर्मभूमि में आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रिछेड़ वासी और सशस्त्र वंदन करते हैं। रिछेड़ वोराट की प्रमुख नगरी है, वहाँ गुरुदेव और आचार्यों का इतना मतलब आशीर्वाद रहा रिछेड़ के ऊपर, 37 आदमियों को 39 संबोधन प्राप्त हुए, उसके अलावा 9 उपासक सेवाएं दे रहे धर्म संघ में और 2 ट्रेनिंग में चल रहे 11 उपासक है और ये अपना दालचीन जी जो तपस्या चल रही है और वसीतप चल रहे हैं और हमारे वहाँ रिछेड़ के अंदर 43 साल तक लगातार चतुर्मास हुए तो रिछेड़ वासी हुए प्रवासी थे, धीरे धीरे मुंबई की ओर अग्रसर होते गए, आज यथाकथा चतुर्मास होते हैं, घर बहुत ही खुले हैं, कम है, विडम्बना है, 500 घर जुड़े हुए, दोनों जैन समाज के 250 घर है गुरुदेव, आज लेकिन 10 घर खुले हुए हैं, सभी अपनी कर्मभूमि मुंबई में प्रवासी थे तो आपका हमेशा लाभ स्मरण लाभ ले रहे हैं, सेवा लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव, हमारे वहाँ अनेक प्रवृत्तियाँ चलती हैं, उसमें हमारे कर्मठ रिछेड़ के उत्साही कार्यकर्ता है और रिछेड़ की प्रतिभाएं जो है राष्ट्रीय स्तर पे सेवा दे चुकी है, उसमें सबसे पहले पृथ्वीराज राम कछारा, दालचंद जी कोठारी, कुमुद जी कछारा और अपने संदीप जी कोठारी और वर्तमान में मुंबई महिला मंडली अध्यक्ष विमला कोठारी भी रिछेड़ से है। ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं, हमारे सूर्य जी राठौड़ जी भोज साहब जो नियमित सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ के उपाध्यक्ष भी है और शुक्ला जी कछारा, इनकी पंचमंडल जो हमने टीम बना रखी है उसमें शुक्ला जी कछारा संयोजक है, वहाँ अनेक सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, कोई भी अड़चन आती है उसका निवारण हमारा पंचमंडल। आधुनिक सम्राट देव की जय है और जहाँ धर्म संघ के उन प्रश्नों को हम अनावृत करें, मात्र विच्छेद की बात कहें तो भी काफी समय लग सकता है, लेकिन जैसा निर्देश है आपने जहाँ गुरुदेव तुलसी ने और महाप्रजी जी ने संपूर्ण भारत की लगभग 60,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा की, आपने उन समस्त राज्यों को लांग कर विदेश की धरती पर भी आपने दिग्विजय विजय यात्रा कर ली, चाहे 31 वर्षों का कीर्तिमान था, आपने 43 दीक्षाएं देकर धर्म संघ के संदर्भ में अपनी पताकाएं फहरा दी, रिछेड़ के संदर्भ में आचार्य भिक्षु 2 बार रिछेड़ पधारे, वहीं से सम्मेलन का प्रारंभ हुआ, पहला चातुर्मास साथी श्री हस्तुजी कुपाड़ का 157 साल पहले रिछेड़ में चातुर्मास हुआ, उसके बाद 27 वर्ष के बाद साधवी मैया जी साधवी अजय श्री जयाचार्य ने वह दूसरा चातुर्मास दिया और तीसरा चातुर्मास गुरुदेव कालू गिरी 1972 में रिछेड़ में पधारे, जब दीक्षा भी भागचंद जी बाबे की हुई और चातुर्मास भी चिरंजीलाल स्वामी भिवानी का वहां हुआ, उसके बाद 1996 से क्रमशः गुरुदेव तुलसी ने 3 बार पधार कर या जितनी भी बातें और आपके आप जिस संदर्भ में आज 4 मिनट की उस बंद कमरे की मीटिंग में जब हम 18 व्यक्ति उपस्थित थे, रात को निर्णय यह हुआ कि यहाँ से जयपुर यात्रा हुई, न कहने की स्थिति रहेगी, सहने की स्थिति रही, मेवाड़ में लोग कुहासा छा गया, लेकिन आप जब सम्राट बने पहली घोषणा आपने ये की मेवाड़ के सभी काम अधूरे काम पूरे किए जाएंगे, वो सुनकर हमारा सीना फूल गया और मेवाड़ का उपवन पुनः चमन उल्लसित उल्लसित हो गया और वस्त्र रिछेड़ के संदर्भ में आपने जो आयोजन दिया वो ऐतिहासिक आयोजन था, क्योंकि जिस समय गुरुदेव महाप्रजी जी ने मांगलिया वास में अक्षय तृतीया की घोषणा की वह सुनकर के ही 41 वर्षीय तक रिछेड़ में पूरे समाज में वहां तक का कीर्तिमान था कि स्थानीय अवस्थी तक हिंदुस्तान में सन 1968 से लगा कर वहां तक 41 वर्षीय तक किसी क्षेत्र के लिए रिछेड़ स्थानीय क्षेत्र, उसके बाद बालोत्र ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और कभी तो सूरत वालों ने सारा काम
मजा ले लिया हमने नीचे। उस समय तक तो उनका खेतीवान था। अब बात क्यों गई, कई चावे मांगे बूढ़ी डोगरी गई क्यों, मारा फड़ पोता ने चौथी माड़ा पे होनारी थाले में भोजन पूछो देखू वो मारो मन है। अरे बात है आवाज देखते ही मारी बात खत्म करी। ओ बाकी नतमल जी स्वामी शासन स्तंभ मेवाड़ का क्षेत्र रिंचे और जहाँ हमारा अक्षय तृतीया का प्रोग्राम भी हुआ था और अब लोग इधर इस मुंबई की एरिया में भी रिंचेड़ के काफी कई परिवार है 90 50 उपनगर में रिंचेड़ वाला मुंबई में ठीक है। फिर भी वैसे संबंध रिंचेड़ से संबंध तो है ही वो और यदा कदा मौके पर जाना आना भी तो जहाँ भी रहे धार्मिक साधना भी यथासंभव दया अच्छी चलती रहे। इधर शनिवार सामायिक की शनिवार है, परिवारों में नशा मुक्तता रहे ऐसा भी प्रयास चले और परिवारों में खूब अच्छी शांति भी रहे और जितनी हो सके साधु संतों की सेवा धार्मिक आध्यात्मिक समाज की भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करने का लक्ष्य रहे। समाज में बच्चों में ज्ञानशाला हो अच्छा कर्म रहे अच्छे संस्कार। निश्चय के 250 परिवार तेरा पूर्ति के 250 मूर्ति पूजे के 500 परिवार है लेकिन विडम्बना यह है इस टाइम में रिक्शेड में 10-10 घर खुले हैं। 20 घर सभी मुंबई में प्रवासी है तो यह धर्म आराधना कर रहे हैं और गुरुदेव आदर्य सिंह महापति जी और आकाश सिंह तुलसी का रिक्शेड के ऊपर विशेष अनुभव कर रही 33 आदमियों को 39 संबोधन मिले रिक्शेड में। उसके बाद 11 उपासक उपासिकाएं धर्मशाला में सेवाएं दे रहे हैं तो जितने भी केंद्रीय स्तर पर है रिक्शेड के श्रावक श्राविकाओं ने केंद्रीय स्तर पर धर्म सेवा दी जिसमें प्रतिराज साहब हिंगण लालजी जी कोठारी संदीप जी कोठारी मुंजी कछाड़ा और भगवान में बिरला जी कोठारी जो महिला मंडल मुंबई के अध्यक्ष चुने गए हैं वो भी रिक्शेड से बिलीव करती है। इसके धर्म संघ के प्रति अटूट श्रद्धावान क्षेत्र है। आज से 64 वर्ष पूर्व जब मैं 1 वर्ष का था आचार्य श्री उसी रिक्शेड जिला के भाई थे उसमें वहाँ भगवान महोत्सव हुआ और एक दिशा भी हुई। उस टाइम गुरुदेव ने फरमाया था रिक्शेड मर्यादा महोत्सव के लायक क्षेत्र है। हमने यह लाखोड़ी में आचार्य श्री महापति के सामने आने के प्रति आचार्य श्री महापति ने बेहद ही कृपा कर अक्षय तृतीया का बार बार रिक्शेड फरमाया। इसको कारण होगा नए वर्ष का तत्पराम आचार्य श्री महापति समर्थ जी ने रिक्शेड में अक्षय तृतीया का पालन संपन्न करवाया। आज हमने गुरुदेव से विनती की जब भी आपका मेवाड़ क्षेत्र में पधारना हो रिक्शेड वासियों को मर्यादा महोत्सव जरूर बख्शा है। यह विनती हम आपसे भी करते हैं आप हमारे रिक्शेड की तरफ से थोड़ा हमारी भाषा में झेक लगवाएंगे। रिक्शेड में ऐसा क्षेत्र है जहाँ मर्यादा महोत्सव आचार्य उसी की जो भावना थी वो पूरी हो सके। हम रिक्शेड वासी तन मन और धन से संघ और संत के लिए समर्पित है। इस प्रकार रिक्शेड में अनेक तपस्याएं भी चलती है। प्रतिभा गांधी जी लाल जी तपस्या कर रहे हैं और भी रिक्शेड से विजय करते हैं। उसके बाद कुंभगढ़ साधक है और कल ही मैंने एक सूचना निकाली उत्सव उसका और अपनी जो रजी तपस्या चल रही है उसमें रिक्शेड वालों का क्या योगदान है तो मेरे पास 25 नाम उत्कर्ष क्या है और 25 नाम रजी 21 रजी तपस्या क्या है ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और एक बड़ी बात यह है कि विजित परिवार से विजय करता हूँ कि गुलाब जी पटवारी परिवार इस पद पर सर्वप्रथम आरोप किया और सासू माता के उत्तरवर्ती परंपरा में गुरुदेवपुर महात्मा जी ने आप श्री को इस पट पर आशीन किया। आपको पाकर नवनिधि हमने प्राप्त की और आपको सर्वप्रथम हमने देखा समय 1933 में आप प्रथम सर्वप्रथम समय परंपरा की प्रथम आप नियम के पत्थर गुजर खुशी के प्रकार से हमें 12 वर्ष बाद आपकी शादी दिशा हुई और आप मुख्य योजना के रूप में साहित्य के आगम संबंध के संदर्भ में आचार्य श्री महादेव जी के अंतरंग उस साधना शैलियों में आपने वो सेवा दी उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अथवा आपकी सेवा सुश्रूषा और आपकी आगम संधान से
अपनी विनम्रता से आदर से महात्मा में आपको जो पूरा धर्म सौभाग्यशाली आपको पाकर वस्तु अभी वर्तमान में ही मेहनत आप जब सरकार भी है, यदि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ जाते हैं समय समय पर वो सेवा
सेवा करवाते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई इस रूप में तैयार हो भी सकता है, वैराग्य के रूप में तैयार हो सकता है, लेकिन आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए। कम से कम आप ये संकल्प तो कर ही लें कि महीने में एक बार या दो बार तो हम लोग गुरुदेव के उनको दर्शन करवाएंगे, नहीं तो केवल आप ही आते रहेंगे, आपको भी देखते रहेंगे तो बच्चे कब तैयार होंगे। इसलिए आप संकल्प कर लें कि कम से कम एक बार पारिवारिक सेवा करें के और अपनी सरस्वती से उस क्षेत्र को पावन बनाया है और उसके बाद प्राय आचार्यों का वहां पदार्पण हुआ है, अपरम पूज्य आचार्य महाकवन जी ने तो जब दायित्व आचार्य का दायित्व स्वीकार किया तो सबसे पहला चातुर्मास भी मेवाड़ ने ही किया और मेवाड़ से एक लंबी यात्रा भी आचार्य वर्ग समय ने मेवाड़ वासियों की श्रद्धा अपनी प्रशस्त है, इसमें कोई दो राहा नहीं है। और इसके साथ साथ में जैसा कि बताया गया अध्यात्म के संस्कार और धर्म के संस्कार के हमारे ग्राहक और तालिकाओं में खूब खूब करके भरे हुए हैं। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ मेवाड़ के लोग कर रहे हैं और तेरा पंथ धर्म संघ की अनेक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए थी। और आपने बताया कि निखिल से जुड़े हैं डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जी को शिक्षा के लिए कितने खर्च हो गए? एक लंबा युग बीत गया, 12 साल का यदि मैं युग कहूँ तो एक युग पूरा होता है और 5-5 साल के युग में करो तो 2 साल से 2 युग से अधिक समय व्यतीत हो रहा है। तो आपके यहाँ से कुमंबर साधक तैयार हो रहे हैं, तपस्वी लोग तैयार हो रहे हैं और अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति तैयार हो रहे हैं। तो जैसे बताया उत्कर्ष में इतने भाई बहने थे जो रिसेट से जुड़े गए थे, तो अब रिसेट के भाइयों बहनों से हम भी आशा करते हैं कि आचार्य वर्ग का ये जो शिक्षा दिवस है, शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है, शिक्षा कल्याण वर्ष के रूप में हम इसे मना रहे हैं और आचार्य वर्ग का ये भी संकल्प है कि मेरे शिक्षा कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ नहीं करना, कोई काम धाम नहीं करना है, क्योंकि स्वयं आचार्य वर्ग को अध्यात्म प्रिय है और आचार्य वर्ग यही चाहते हैं कि हमारे संघ में भी अध्यात्म उत्कर्ष पर पहुंचे और अध्यात्म सबको उत्कर्ष पर ले जाने का एक तरीका शिक्षा भी है जो हमारे रिश्तेदार के भाई बहने इस पर चिंतन करें कि अब नए सिरे से हम वैराग्य निरावरण को तैयार करें और संघ की सेवा में समर्पित करें। जैसे अभी डॉक्टर जी के डॉक्टर की प्रतिमा की साधना कर रहे हैं, यदि अध्यात्म का भी एक प्रयोग है, व्यक्तिगत अपनी साधना कर रहे हैं तो शिक्षा भी अध्यात्म का ही एक प्रयोग है। तो हमारे चिंतन करेंगे कि आगे अगर ऐसे शिक्षा कल्याण जिनसे वाकिस्या अपने और उसके साथ साथ में एक बात बोल करता भक्ति में मेरा भी लोग सबसे आगे हैं, उत्कर्ष के कार्य के साथ में ही जुड़े रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत कम है। हमारे भाई और बहने ज्ञान का विकास करने का प्रयत्न करें, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाए, कम से कम एक सहायक ऐसी करें जिसमें पुस्तकों का स्वाध्याय करें और जितना अधिक स्वाध्याय होगा उतना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा और जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा अध्यात्म क्योंकि उसमें भी आप लोग तो श्रद्धा के साथ साथ में अपने ज्ञान को शुद्ध करें और ज्ञान के
श्री जैन स्वेतंबर तेरा पंथी सभा रिछेड़ अध्यक्ष श्री मदन लाल जी कोठारी के नेतृत्व में आज नंदनवन परिसर में पूज्य गुरुदेव के सभी ने सामूहिक रूप से दर्शन किए एवं सेवा का लाभ लिया। अध्यक्ष ने रिछेड़ के बारे में अपनी प्रस्तुति दी, साथ ही श्रीमान डालचंद जी कोठारी, सोहन जी कोठारी, लक्ष्मी लाल जी चंडालिया आदि गणमान्य लोगों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। संयोजन श्री मनोज जी सिंघवी ने किया, साथ ही साध्वी प्रमुखा श्री जी के भी सभी ने दर्शन किए और गुरुदेव ने रिछेड़ वासियों के लिए आध्यात्मिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार आज का यह दिन रिछेड़ के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम दिवस हो गया जो हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगा। ओम अरहम।